ग्राम पंचायत माल्याखेर खेड़ा के नहीं खुलते ताले, घर से चलती पंचायत सरपंच और सचिव के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने मंदसौर पहुंचकर किया प्रदर्शन। मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत माल्याखेर खेड़ा में सरपंच और सचिव की मनमानी से परेशान क्षेत्रवासियों ने आज मंदसौर जिला अस्पताल एवं जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए 2:37 पर मंगलवार को बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच के घर पर ही सारी फाइल पर काम किया जाता है और ग्राम पंचायत का कोई ताला नहीं खुलता है, जिससे क्षेत्रवासियों का कोई कार्य नहीं हो पा रहा। सरपंच पति पर भी क्षेत्रवासियों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाया है कि जो सचिव है सरपंच के घर पर जानवरों को पानी पिलाने का काम करता है, और अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। बताया कि किसी भी ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री एवं अन्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है जो सक्षम है और मध्यम परिवार का व्यक्ति है, उसे कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर भी क्षेत्र की युवा समिति बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव की आवश्यकता पड़ रही है, किंतु सरपंच एवं सचिव आनाकानी कर रहे हैं और देने से इनकार कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत का ताला कभी भी नहीं खुलता, जिससे क्षेत्रवासियों को कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। बताया कि कई समय से हमारा सचिव लापता है। माल्याखेरखेड़ा से आए हैं, गांव माल्याखेरखेड़ा के ग्राम पंचायत के सचिव जो लगातार 2-3 से लापता हैं, उनके आवेदन देने आए थे हम ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा की तरफ से। जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ वगैरह, इन सबको हमने आवेदन दिए हैं, और ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा के जो छोटे मोटे कार्य हैं, लोगों के ये समग्र आईडी वगैरह बनानी, कोई ठहराव प्रस्ताव छोटे मोटे, ग्राम पंचायत माल्याखेरखेड़ा में आज दिन तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई। पूर्व सरपंच की पत्नी अभी सरपंच है, सरपंच पति बहुत दबंगता से व्यवहार रखते हैं, बोलते हैं हमने मर्डर कर रखे हैं ये वो, वहाँ लोगों को उन्होंने ग्राम पंचायत बंद करवा रखी है। बिल्कुल ग्राम पंचायत के जितने भी कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, सामग्री हैं, सब अपने घर ले जा के रख रखी है। सचिव को अपने घर पर बिठाते हैं, कोई काम हो तो घर पर बुलाते हैं, लोगों को 2-4 दिन का टाइम देते हैं फिर सचिव, और वहाँ उनके घर पर बुलाने के बाद वहाँ कसमें खिलाते हैं कि वोट दिया कि नहीं दिया। अगर कसम खिलाने पर वोट दिया हो तो उसका काम करते हैं, नहीं तो भगा देते हैं। और इस तरीके से वो ताला भी नहीं खुल रहा है। सचिव को हम बोल के थक गए, एक मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, हमने राशि इकट्ठी की हुई है और एक समिति बनाना चाहते हैं। गांव माल्याखेरखेड़ा के गांधी ग्राम एक गांव है वहाँ पे, तो उसके लिए ठहराव प्रस्ताव चाहिए थे। उस ठहराव प्रस्ताव के लिए हमको 2 से दौड़ भाग करनी पड़ रही है, और सचिव का कहना है कि मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, मेरी कोई पर्सनल समस्या ये है, मैं तहसील में हूँ। कल हमें जनपद बुलाया था, पूरे दिन हम जनपद रुके और वो कहीं निकल गए। आज फिर बुलाया, आज भी वो लापता है और गांव में भी नहीं मिले, और ये कि ये स्थिति रोज की रोज बन रही है। हमें भयंकर तरीके से पूरे गांव ग्रामवासी परेशान हैं, तो इसका जल्दी जल्दी निराकरण करें साहब। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है उषाबाई, पति जसपाल सिंह आंजना, और सचिव भेरूलाल मालवी है। सचिव साहब को तो मतलब नी के बराबर उनके गाँव वहाँ बिठा लेते हैं, गाय भैंस छुड़ाने के काम आता है वो, तो सचिव उनके घोड़ियों को पानी पिलाता है, उनके गाँव उनके घर पर ही ये स्थिति है। और गांव ना तो पंचायत में आने की कोई उसकी जिम्मेदारी बन रही है, ना क्या पता क्या किस तरीके से पंचायत चल रही है, कोई किसी तरीके से कोई मार्गदर्शन पारदर्शिता नहीं है। हितग्राही जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं, गूगल मैप पे आप लोकेशन निकलवा के देखना, जिला पंचायत सचिव सीओ निकाले, जनपद पंचायत सीओ निकाले, गाँव में लोगों के पट्टे बने हुए हैं, गूगल मैप पे लोकेशन देखना, मकान उन्होंने नई आबादी में बना दिए हैं, और नई आबादी में भी ऐसे लोगों के मकान बनाए हैं जिनके 3-3 मकान बने हुए हैं, 3-3 मकानों पे छत डली हुई है, 3,000 स्क्वायर फीट छतें डली हुई, उन लोगों के प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। और जो बेचारे जिन लोगों की ये स्थिति है कि जिनके घरों में पानी घुस रहा है, भयंकर रूप से परेशान है, उन लोगों की ऐसी स्थिति है, फिर भी उसके बावजूद वो लोग हितग्राही होते हुए भी उनको हित नहीं मिल पा रहा है, और पैसे ले लेके इन लोगों के वोट के कारण कि इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इस तरीके से वो वहाँ काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरी सिंह आंजना है, गाँव माल्याखेरखेड़ा निवासी हूँ। हम ग्राम पंचायत गांव गांधी ग्राम से आए, और हमारे गांव में एक छोटा सा समिति बनाई हमने, और हमने जब सचिव से बात करी और उन्होंने ठहराव प्रस्ताव लिया, उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें पहले पंचायत में बुलाया गया, पर वो पंचायत पे नहीं मिले। उसके बाद उन्हें घर पे बुलाया, सरपंच के घर पे बुलाया गया, और वहाँ बुलाने के बाद उन्होंने कहा हम 2 बाद आपका काम करके देंगे। उसके बाद अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने फिर हमें 26 दिन ग्राम सभा करने का कहा गया, लेकिन 26 दिन भी हमारी कोई ग्राम सभा नहीं की गई। फिर हमें 30 बताई गई, कल हम सब यहाँ आए थे 30 को जनपद में, यहाँ मीटिंग हुई, लेकिन वो निकल गए, हमसे नहीं मिले। आज सुबह हमने जब पंचायत जाकर उनको फ़ोन लगाया, उसके बावजूद भी वो वहाँ से बोल दिया कि हम ये नहीं आ सकता वहाँ पंचायत में। तो अभी फिर हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया भी सीओ साहब को,
क्या किस तरह लोगों से परेशानी हो रही है? परेशानी मंत्री से, सबसे ज़्यादा परेशानी मंत्री से ही हो रही है। अभी हमारा किसी कार्य से कोई भी कार्य हम चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे, हम उनके पास जाते हैं तो हमें बार बार वहीं बुलाते हैं घर पे ही, यही हमें समस्या है। और अभी जो अभी भाई साहब ने बोला है हमारे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमारे गाँव में भी यही स्थिति है और मालिया खिलगड़ा में भी यही स्थिति है।